तो गाइस यार कैसे हैं आप सभी सभी यार, आज की वीडियो के अंदर हम अपने पीसी के अंदर यार दोबारा से इंस्टॉल करने जा रहे हैं फीफा 23 का जो मोड है, जो उसमें यार हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स हो जाते हैं। तो यार लास्ट वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो यार मैंने सोचा इस वजह से मैं यार एक और वीडियो बना देता हूँ। और भाई इसमें जो है इसका वर्जन 2 होगा, इसमें और ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स हो जाएंगे। तो चलो यार जल्दी से चलते हैं अपने पीसी पे और इसे इंस्टॉल करें। तो गाइस यार ये आ चुके हैं हम लोग अपने पीसी पे। तो यार तुम लोग को ये सामने जो फाइल दिख रही है यार, इस पर सिंपली यार राइट क्लिक करना, और भाई राइट क्लिक करने के बाद तुम लोग को कर देना होगा भाई विनरार पे जाने के बाद भाई एक्सट्रैक्ट है। तो यार यहाँ पे भाई पासवर्ड मांगेगा, तो यार ये डाल दिया भाई तुम लोग के सामने मैंने पासवर्ड। तो यार ये पासवर्ड डालने के बाद भाई सिंपली तुम लोग को क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है, तो यार एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। तो भाई एक्सेप्ट इसे होने देते हैं। और भाई काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है प्रॉब्लम आ रही थी यार गेम लॉन्च होने में, तो यार बहुत सारे लोगों का भाई गेम लॉन्च नहीं हो रहा था। तो यार जिन लोग का भी गेम लॉन्च नहीं हो रहा है, तो यार उन लोगों ने ना भाई गेम जो डाउनलोड कर रखा है भाई वो फिटगल रीपैक से कर रखा है, तो यार फिटगल रीपैक वाला जो है भाई वो गेम नहीं चलेगा। तो बाकी यार आप तुम लोग देख सकते हो हम लोग की जो फाइल है यार वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो सिंपली यार इसे ओपन करना, और यहाँ पे भाई कुछ 13 फाइल है तुम लोग देख सकते हो। तो यहाँ से भाई अपना मैंने फ्रॉस्टी मोड मैनेजर ओपन कर लिया है, और भाई यहाँ से ऐड मोड पे क्लिक करना, और ऐड मोड पे क्लिक करने के बाद भाई जिस भी जगह फाइल है उसे लोकेट कर लेना भाई। लोकेट करने के बाद सिंपली तो उस फोल्डर को ओपन करने के बाद यार जितनी भी फाइल है भाई उन लोग को उन सबको भाई सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यार सिंपली तुम लोग ओपन पे क्लिक कर देना। तो यार मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी कर रखा हूँ। तो यार यहाँ पे अब मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लूँगा राइट क्लिक करके, और भाई सॉरी लेफ्ट क्लिक करके, और यहाँ पे भाई कंट्रोल ये दबाने के बाद भाई सब सिलेक्ट हो जाएंगे, और भाई अप्लाई मोड पे क्लिक कर दूंगा। तो यार ये क्लिक करने के बाद भाई सारे मोड्स जो हैं भाई वो हमारे उस वाली जगह आ जाएंगे, और सिंपली भाई लॉन्च पे क्लिक कर दूंगा। तो भाई अब बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही थी यार लॉन्च होने के बाद, लॉन्च पे क्लिक करने के बाद यार हम लोग का गेम नहीं ओपन होता है। तो यार उसका एक सिंपली ये सॉल्यूशन है, तुम लोग को भाई जाना है क्रोम पे, और क्रोम पे से भाई एक्सट्रीम इजेक्टर को डाउनलोड कर लेना है। तो एक्सट्रीम इजेक्टर डाउनलोड करने के बाद उसे सिंपली ओपन करना है, और भाई गेम लॉन्च पे क्लिक करने के बाद यार जो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ उस पर उसको तुम सिंपली यार फॉलो कर लेना। तो यार जैसे कि मैंने अभी फीफा 19 यार सिलेक्ट कर लिया, और भाई एड DLL पे जाके यार जो जो मैं DLL सिलेक्ट कर रहा हूँ यार उसे सिंपली जाके भाई सिलेक्ट कर लेना। तो यार कुछ DLL सेलेक्ट करने के बाद यार फिर तुम भाई दोबारा से लॉन्च करना गेम, और लॉन्च करने के बाद भाई इंजेक्ट पे क्लिक कर देना। तो यार इंजेक्ट करने के बाद सिंपली लिखा जाएगा कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यार यहाँ तुम लोग का देख सकते हो हम लोग का भाई अब गेम यार लॉन्च हो चुका है। तो यार यहाँ तुम लोग के सामने आ चुकी है यार फीफा 23 की लोडिंग स्क्रीन। तो यार इसको होने देते हैं, और भाई डायरेक्ट जल्दी से मैं तुम लोग को एक मैच लगा के दिखा देता हूँ। तो गाइस यार सिंपली हम लोग का गेम स्टार्ट हो चुका है, और भाई सामने आ चुका है भाई नेमार। तो तुम लोग यार इसकी जर्सी वर्सी देख सकते हो, और भाई यार तुम इसका फेस लुक देख सकते हो जो अभी के टाइम का, और बाकी तुम टैटू वैटू देख लो तो यार 2023 से एकदम भाई सिमिलर है भाई ये सब। और भाई इसमें ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं यार गेम के, और तुम जर्सी देखो भाई एकदम अभी के टाइम की है, बाकी तुम लोग यार कुछ जज कर सकते हो। तो यार मिलता हूँ तुम लोग से फिर किसी नए वीडियो में। अगर यार तुम लोग को गेम लॉन्च करने में कोई दिक्कत आए तो यार तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। This is the Parc des Princes. Well, PSG have become a European super club with the investment from the Middle East. And Marseille have got their hands full in this one. Well, they have, two of the biggest clubs, teams in France. And always look forward to this clash because we've got some good players to enjoy here. Paris Saint-Germain, this is their lineup. Gianluigi Donnarumma is the goalkeeper. Messi! That is a startling save. That's all about reactions and agility. That's going to be a corner. Neymar's corner, choosing to punch the corner away, the goalkeeper this time. Payet, Benedetto, now Strootman, Amavi, and there is some backup for him in this position. There's still danger here after this half clearance. Neymar, Verratti. Well, Neymar always seems to handle the big occasion with such aplomb for one so young.
He does. There's an awful lot of weight on his shoulders at times, particularly when he pulls on the yellow shirt of Brazil, and there will be a bit of pressure on him today to produce. They've lost the ball, and the counter-attack could be there. Looking for a through ball. The break is definitely on. Put into the middle. Well, they've broken through here with a really good goal, and the celebrations reflect that. The supporters are going crazy. It's a terrific moment for the team. Well, he swung his foot at it, and he's good at these one-touch finishes, and that was as sweet as a nut. Yeah, kept his eye on the ball, kept his head over it, and a lovely connection.